केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पटेल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन सेवा ही ईश्वर सेवा का नारा देते हुए कपिल पटेल फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित पटेल, भिवंडी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, विधायक महेश चौधरी जी के नेतृत्व में पद्मनगर अखिल पद्मश्री समाज संस्कृति भवन में जनताओं को निःशुल्क स्वास्थ्य की जाँच व शल्य चिकित्सा शिविर की पूरी व्यवस्था किए है। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पटेल जी का जन्मदिन जनताओं के लिए उपयोगी दिन बने ऐसा सोच सुमित पटेल, संतोष शेट्टी, महेश चौधरी जी के नेतृत्व में आज 5,000 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच चिकित्सा करवाए। कपिल पटेल फाउंडेशन के अध्यक्ष व नगर सेवक सुमित पटेल ने इस भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की चिकित्सा के लिए पिछले 15 दिनों से बड़ी मेहनत लेकर कार्यक्रम का आयोजन किए। कार्यक्रम के आए केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पटेल जी को सुमित पटेल, हर्षल पटेल, राजू गाजंगी, विशाल पाटारे, मनदीप सिंह ने भव्य सत्कार किए। इस महा आरोग्य शिविर में जनताओं को सेवा करते हुए पद्मनगर से डीवाई पटेल अस्पताल में जाने के लिए मफत बस की व्यवस्था किए। या बस जनता के लिए सेवा के लिए कायम रहेगा ऐसा नगर सेवक सुमित पटेल ने कहा है। इस महा शिविर आरोग्य कार्यक्रम में बहुत सारे अनेक कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी के अध्यक्ष वेवल नरसैया, रमेश बुल्ली, गट नेता हनुमान चौधरी, प्रकाश टावरे, आरपीआई के अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़, नीलेश चौधरी व कुंदन पुरुषोत्तम, निष्काम भैरी व आदि लोग शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। पद्मशाली समाज और कई संगठन को लेके यहाँ पे सुमित पटेल और उनके साथियों ने जो मेडिकल कैंप आयोजित किया है उसका बहुत अच्छी तरह से लाभ जनता को मिलेगा। और यहाँ से कुछ किसी को अगर बीमारी भी फाइंड आउट होती है तो उनको डीवाई पाटिल फाउंडेशन के वहाँ ले जाने के लिए बस का भी आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। भिवंडी शहर वासियों के लिए ये पर्वनी है। संतोष शेट्टी जी के नेतृत्व में भिवंडी शहर में जो भारतीय जनता पार्टी का काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी खाली राजनीतिक काम नहीं हो रहा है तो सामाजिक स्तर पर भी समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके लिए उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से आज पद्मनगर में हुआ है, पूरे भिवंडी शहर में इस तरह से कर सकते हैं तो उसका भी अच्छा फायदा भिवंडी शहरवासियों को होगा। बर्थडे के अवसर पर उपलक्ष्य में पहले ही यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं देख रहा हूँ खासदार हमारे जो मंत्री महोदय है इनके जन्मदिन के अवसर पर कल से सब जगह कार्यक्रम चल रहे, बहुत से ग्रामीण गाँव में, कल भी अम्बाड़ी में जनक दादा पटेल आ रहे, परसों देवेंद्र जी आ रहे, आज यहाँ पर भी हमारे जो नगर से भारतीय जनता पार्टी के सुमित पाटिल, इनका एक संस्था भी है कपिल पटेल फाउंडेशन, उसके भी चेयरमैन है। तो बहुत अच्छा, आज कोविड के बाद में देखा होगा कोविड काल में लोग ने खाली कोविड का इलाज किया था, बाकी इलाज सब रुक गया था और जो बहुत से इलाज लेने नहीं लेने की वजह से वो बीमारी बढ़ भी गई। अभी जितने दवाखाने आप देखते हो जमा वही सब है, जिसको शुगर का प्रॉब्लम है, हड्डी के प्रॉब्लम है और बहुत से छोटे छोटे बीमारी है, उसकी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए आज जो यहाँ पे जो डीवाई पाटिल के साथ बहुत बड़ा संस्था है, डीवाई पाटिल खुद एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल भी है और बहुत बड़ा संस्था है, उनके साथ मिलकर एक बहुत अच्छा नियोजन पद्धति से मुझे लगता है कम से कम 50 से 60 बीमारियों का एक ही जगह इलाज का बहुत अच्छा है कि उन्होंने एक प्लान किया है। बहुत अच्छे से हर डॉक्टर तो आगे बैठे, खाली इलाज के बाद जिसका जो चेकअप होता है उसको भी सुबह 7 बजे बस का एक व्यवस्था किया है। ये मुझे लगता है भिवंडी में ऐसा पहली बार हो रहा है और बहुत ज़रूरी है चीज़। आज दो चीज़ से लोग परेशान हैं, फीस, बच्चों की फीस से और बीमारी के पैसे देने के, तो दोनों चीज़ को भारतीय जनता पार्टी, हम जितने भी हमारे मंत्री महोदय हो, हमारे आमदार हो, हमारे सब नगर सेवक हो, जितने भी मंडल हो हमारे, सब लोग हम लोग यही काम कर रहे हैं कि भिवंडी में स्कूल में कैसे बच्चे को जो आर्थिक उसको कैसे पूरा पड़े और जहाँ भी आरोग्य का जो काम है उसको कैसा पूरा पड़े। एक मैं और थोड़ा बोलने आता हूँ, राजकन से हम लोग जुड़े हुए, एक जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी सब भिवंडी के लोगों के लिए, हित के लिए काम कर रही है और एक जगह जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये सब पार्टी दाऊद के जो खास आदमी है नवाब मलिक उनको बचाने में जुड़ी है। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी लोग यहाँ के सभी के तबीयत में ध्यान दे रहे और यहाँ पे दाऊद के आदमी बचाने ध्यान दे रहे और फिर से एक अच्छा कार्य हमारे कपिल पटेल साहब के हाथों से हो रहा है। तो जन्मदिन के मौके में पूरे भिवंडी जिला की तरफ से और जितने भी मेरे भी जितने भी हित चिंतक है उनके तरफ से खाता कई पाठ साहब हमारे मंत्री महोदय को भविष्य में
और भी उनको जो भी उनका जो काम का है, उनका काम का तरीका है, कैबिनेट मंत्री के इससे बड़ा हर सब पद मिले, ऐसे हम यूएनडी के तरफ से उनको बहुत